करंसी यूनियंस जी स्टूडेंट्स लास्ट मेड्यूल्स में हमने फिक्सड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर बात कर रहे थे तो फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही एक अल्टरनेटिव है जिस पर आज हम बात करेंगे ये है करेंसी यूनियंस क्रिएटिंग अ करेंसी यूनियन इन विच पार्टिसिपेटिंग नेशंस एग्री टू यूज अ सिंगल करेंसी इज़ एन अल्टरनेटिव टू फिक्सिंग एक्सचेंज रेट्स यानी इनस्टाइड ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट में तो ये था कि एक कंट्री अपने लिए एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेता था लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो एक करेंसी यूनियन फॉर्म करते हैं ये उसकी एक फॉर्म है दे दियान कापरेट इकनॉमिकली एंड पोलिटिकली एज वेल करेंसी यूनियंस में जो है वो इकनॉमिक कापरेशन के साथ साथ पोलिटिकल जो कापरेशन है उसकी भी ज़रूरत होती है वो भी उसका मोटिव होता है सो एज वाज द केस विद दर्टीन 13 यू एस कॉलोनीज इसकी जो अर्ली एग्जाम्पल्स है वो यूनाइट स्टेट्स की है जब शुरू में थर्टीन स्टेट्स ने अपनी करेंसी को फॉरगो कर दिया था और एक कॉमन करेंसी पर वो आ, एग्री कर गए थे सो वट इज़ द क्राइटेरिया टू फॉर्म एन ऑप्टीमम करेंसी एरिया कि किन हालात में क्या कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर ये कॉमन करेंसी एरिया जो है ये ऑप्टिमम होगा इस पर बात करते हैं पहली पहली कंडीशन ये है कि उस एरिया में यानी उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में देर शुड बी एक्सटेंसिव ट्रेड कि उनकी आपस भी, कि, कि, जो म्यूचुअल ट्रेड है उन कंट्रीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए नंबर वन सेकंड ये कि देर शुड बी सिमिलर बिजनेस साइकिल पैटर्न्स क्यों उन कंट्रीज़ में ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में जो बिजनेस साइकिल्स फ्लक्चुएशन हैं जो बूम्स और रिसेशन्स हैं इनका पैटर्न बहुत क्लोजली लिंक्ड होना चाहिए हाई लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी एक और कंडीशन ये है कि उस रीजन में कैपिटल और लेबर की मोबिलिटी बहुत हाई होना चाहिए ठीक है लेबर फ्रीली मोबाइल कर हो सके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सके और इसी तरह से कैपिटल भी आसानी के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सके कैपिटल जब मूव करेगा फ्रीली मूव करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा आप जानते हैं कि उसके नतीजे के तौर पर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो तमाम उस रीजन में यकसा हो जाएगी जहाँ पर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी कैपिटल वहाँ पर मूव करेगा और उसके नतीजे में तमाम रीजन में तमाम मुल्कों में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल हो जाएगी और एक और कंडीशन ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ़िजिकल ट्रांसफ़र्स अमंग द मेंबर कंट्रीज़ कि उस रीजन के कंट्रीज़ में फ़िजकल ट्रांसफ़र की भी एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो मुल्क अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है वो मुल्क जो पोअर परफॉर्म कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकें इसलिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी तो यूज़ नहीं की जा सकेगी इस सिचुएशन में तो फिजिकल पॉलिसी में ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू तो वर्क इफेक्टिवली करेंसी यूनियन मस्ट हैव जस्ट वन सेंट्रल बैंक तो जब करेंसी यूनियन फॉर्म्स होगा तो उसके इफेक्टिव वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर उस रीजन में तमाम मुल्कों का एक ही सेंट्रल बैंक हो सिंस कंट्रीज डॉन्ट यूजली वांट टू गिव अप कंट्रोल ओवर मोनिट्री पॉलिसी बाई नाट हैविंग देयर ओन सेंट्रल बैंक्स करेंसी यूनियज आर वेरी रेयर तो ये कंडीशन चूँकि बहुत मुश्किल है कि मुल्क जो है वो अपने मोनिट्री पॉलिसी को छोड़ दें और वो एक कामन मोनिट्री पॉलिसी को अडोप्ट कर लें और अपना सेंट्रल बैंक ना हो उनका अपना तो इसलिए करेंसी यूनियज के एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलती है एडवांटेजेस ऑफ करेंसी यूनियंस ओवर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स इसका फ़ायदा क्या है दे द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का भी एक एडवांटेज था लेकिन ये फर्दर ट्रेडिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं एसेट्स गुड्स की ट्रेडिंग और एसेट्स अक्रॉस कंट्रीज एंड स्पेकुलेटिव अटैक्स ऑन ने नैशनल करेंसी कैन बी नो लॉन्गर अकर फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम जब हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि अगर किसी मुल्क का एक्सचेंज रेट जो है वो ओवर वैल्यूड होगा तो वहाँ पर फिर स्पेकुलेटिव अटैक के प्रॉब्लम्स होते हैं तो इस सिचुएशन में चूँकि पूरे रीजन का है इसलिए उससे बचा जा सकता है countries share शेयर common monetary policy पॉलिसी अ प्रॉब्लम दैट arises विद द fixed एक्सचेंज रेट सिस्टम तो इसका भी वही प्रॉब्लम है कि common करेंसी होगी और इसके नतीजे में क्या होगा कि monetary पॉलिसी जो है वो यूज़ कॉमन होगी वो कोई एक मुल्क अगर उसके हालात दूसरे से डिफरेंट है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ नहीं कर सकेगा ए वन कंट्री इज़ इन रिसेशन वाइल एंड अदर इज़ कंसर्नड अबाउट इन्फ्लेशन कि एक में रिसेशन है और दूसरे में नहीं है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन नाट हेल्प बोथ डह है मोनिट्री पॉलिसी तो वेरी नहीं कर सकती फ्रॉम कंट्री टू कंट्री तो सेम होगी तो दहरा है ये दोनों के लिए एक एक जैसी पॉलिसी वर्क नहीं करेगी वेर एस विद फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट्स द कंट्रीज कोट है मोनिट्री पॉलिसी दैट हेल्प देअर पर्टिकुलर सिचुएशन और फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट का तो एडवानटेज ये था कि हर मुलक ख़ुद डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज सिर्फ उसका एक्सचेंज रेट डिटर्मन होता है और वो इंडिपेंडेंट अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को यूज़ कर सकता है एप्लीकेशन साइड में मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी कि अमेरिका की जो अर्ली एग्जाम्पल है कि अमेरिकन स्टेट्स ने करेंसी यूनियन फॉर्म किया था जो रिसेंट एग्जाम्पल हमारे पास यूरोपन मोनिट्री सिस्टम की है इन नाइनटीन नाइन्टी वन में यूरोपियन कम्यूनिटी अडोप्टड अथॉरिटी विच प्रोवाइड्स फॉर अ कामन करेंसी द करेंसी यूरोपियन यूनियन की करेंसी इसको यूरो कहते हैं आप जानते हैं नाम से फेमिलियर हैं इट केम इन टू बीग ऑन जनवरी फर्स्ट नाइनटीन नाइन्टी नाइन एलेवन कंट्रीज जो थे वो इनिशली इसमें यूनियन में, में शामिल हुए थे लेकिन इस वक्त जो है वो ट्वेंटी सेवन कंट्रीज उसमें शामिल हैं

ईच इंडिविजुअल कंट्री मोनिटर्स इट्स ऑन बैंक वेयर एज इन द यूनाइट स्टेट्स दैन सेट रूल्स फॉर ऑल द बैंक तो अमेरिका में तो जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है वो तमाम बैंकों के लिए रूल्स वो सेट करता है लेकिन यूरोप में हर मुल्क अपने बैंकों के लिए रूल डिफरेंटली सेट करता है एक तो ये बेसिक डिफरेंस इन यूरोप ईच कंट्री सेन फिजिकल पॉलिसी वेर एज इन द यू एस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटर्मिन फिजकल पॉलिसी तो ये दूसरा डिफरेंस है कि फिजकल पॉलिसी भी पूरे अमेरिका में ज़ाहिर है एक है जबकि यूरोपियन कंट्रीज हर मुल्क अपनी फिजिकल पॉलिसी फॉर्म करते हैं सो द यू एस एंड यूरोप डिफर्ड इन दियर हैंडलिंग ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन टू थाउजेंड एट का जो फाइनेंशियल क्राइसिस का उसकी जो हैंडलिंग भी फिर दाहरा अमेरिका में और यूरोप में डिफरेंट हुई इसी इन्हीं वजूहत की बिना पर यू एस बैंक को ट्रेस कैपिटल मोर इजीली बट यूरोपियन बैंक्स कोड नॉट बिकॉज ईच कंट्री रेगुलेटेड बैंक्स डिफरेंटली यूरोपियन यूनियन में तो हर मुल्क फिर खुद रेगुलेट कर रहा था जबकि अमेरिका में एक ही अदारा रेगुलेट कर रहा था ये एक फ़र्क था वीकनेस एट यूरोपियन बैंक कास्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस टू हैव अ मोर पर लॉन्ग इफेक्ट ऑन द यूरोपियन इकानमी दैन द यू एस इकानमी तो इस वीकनेस की वजह से जो बैंकिंग सिस्टम में अमेरिका में जो वो सेंट्रली कंट्रोल हो रहा था यहाँ हर अपने Uh, खुद से कंट्रोल कर रहा था तो इसकी वजह से जो क्राइसिस था वो प्रोलॉन्ग हो गया यूरोप में एज कंपेयर टू यू एस सो यूरोपियन कंट्रीज हैड हैटेड द रिक्वायरमेंट्स टू कीप देयर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट लो प्राइ टू द क्राइसिस इन इन द क्राइसिस द कंट्रीज लैंड टू देयर बैंक्स विच इंक्रीज द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट विच कॉस्ट इंटरेस्ट रेट टू राइज फर्दर विच कास्ट बैंक्स टू वीकन फर्दर्स सो द गोरमेंट बजट क्राइसिस इन यूरोप इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज ऑफ द यूरोक्सचेंज रेट्स बिटवीन कंट्रीज इन गुड फाइनेंशियल कंडीशन सच एज जर्मनी एंड द कंट्रीज इन वीकर फाइनेंशियल कंडीशन सच एज ग्रीस कोड नाट एडजस्ट टू रेस्टोर एक लिबरमियन यूनियन में अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जर्मनी मसल और कुछ कंट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे पुर्तगाल और ग्रीस जैसे ममालिक तो फिर जो कॉमन आपके पास एक्सचेंज सिस्टम है वो ज़ाहिर वर्क नहीं कर रहा सो so, फ्यूचर के अब जो यूरोपियन यूनियन यूरोप जोन जो है उसका फ्यूचर ऑबियसली क्लियर नहीं है उसमें काफ़ी डाउट्स हैं कंट्रीज सच एज ग्रीस माई ड्राप आउट ऑफ द सिस्टम कि ये जो पोअर परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं दे मे बी ड्रॉप आउट द सस्टम माइट बी मॉडिफाइड टू कीप कंट्रीज़ फ्राम चीटिंग ऑन देयर बजट डेफिसिट जैसे हमने देखा कि क्राइसिस से पहले बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम था वो कंट्रीज चीट कर रहे थे जो एक लेवल था एग्रीड उस पर वो अमल नहीं कर रहे थे तो उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कंट्रीज़ माइट गिव अप सम कंट्रोल ओवर देयर बैंक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी तो ये फ्यूचर के हवाले से कि अगर ये किस तरह से क्या ऑप्शन हैं और किस तरह से यह काम करेगा तो आज हमने करेंसी यूनियंस के हवाले से बात की कि ये क्या होता है ठीक है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उसकी जो रिसेंट और अर्ली एग्जांपल्स पर हमने उसको कंपेयर किया थैंक यू